और हमारे बीच में मिथिलेश भाभी भी उपस्थित हैं। प्रणाम भाभी आपको, पिछले बार तो नहीं थी, आज आप हैं, पहली बार आपको देख रही हूँ सामने से। लेकिन आपकी भी जोड़ी भगवान ने बड़ा फुर्सत से बनाया मिथिलेश जी। और हमारी एक और भौजाई आई हैं, नेहा पाठक जी, हमारी वृश्चिक राशि, कहाँ हैं लेकिन वो दिख नहीं रही हैं। अच्छा, आप नजर बचा बचा के छुप छुप के रहती है ना। अच्छा दादी, बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो तमाम जितने भी लोग आए हैं जिन पे मेरी नजर नहीं जा पा रही, भगवान ने आंखें बड़ा बड़ा दे दिया, लेकिन रात रात भर कार्यक्रम करने से अखिया लगता है कि छोटा हो गया मेरा, दिखता ही नहीं है। और इतने ना लाइट आ जाती है मंच पे, जिसके कारण और ये कैमरे वाले लोगों की फोकस तो और ज्यादा होता है। पीके पांडे जी की भी वाइफ आई है, वो कहाँ है? बहुत बहुत प्रणाम भाभी आपको भी। ऐसे ही धीरे धीरे बताते रहिएगा, जहाँ जहाँ भाभिया लोग बैठी हैं इनके लिए कहना है क्या? थोड़ा सा उधर हो जाइए, बस हल्का सा, दो तीन गाने आप सबके बीच में, उसके बाद से हमारी प्यारी बहन हेमा पांडे जी का आप सब लोग गीत सुनिए। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन आप सबके सेवा में हूँ और 11 जोड़ियों की सेवा में हूँ। पूरा आशीर्वाद हमारे तरफ से भी उन जोड़ियों के लिए है। हो तनी टाक ल दे बलिया पका लिखलवा तनी टाक ल। ये गाना गाते गाते मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान, एक दिन मैं श्राद्ध के कार्यक्रम में गई थी, वहाँ गा रही थी मैं निर्गुण। कुछ आए बुजुर्ग लोग, कह रहे कि निशा जी अब निर्गुण छोड़ दीजिए, बाबा को शांति मिल गया होगा, एक बार अब गाली की तो सुना दीजिए। हम बोले कौन सा? तो रहरी के तीन पत्ता। हम बोले हे भगवान, श्राद्ध क्रम में भी मुझे गाली की गाने से जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्यार है ये आप लोगों का। भगवान जो जहाँ रहे उनको आत्मा को शांति मिलते हैं, तो ऊपर वाले लोगों के लिए। हो तनी टाकल दे बलिया पका लिखलवा तनी टाकल। हो तनी टाकल दे बलिया पका लिखलवा। आपको ही बोलना पड़ेगा क्या? आर्यन मैक नीचे मत करना, बस ऐसे हाथ से पकड़ के रखना, थोड़ा सा संभाल के रखिए, नहीं तो आपके लिए भी गाना पड़ेगा कि ऑपरेटर बरम हुआ डीजे के, तो सुनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए फिर बजाने लगे आप। गावे गावे थिएटर चलावे, लेकिन सिर्फ इनके लिए। गावे गावे थिएटर चलावे ऑपरेटर अपन में हर के ता छूछे न पूछे, इसीलिए इतना सीटी मारता है कि अपन में हर के ता छूछे न पूछे। कई कया सिख हनए चीजे के। और हम कलाकारों के लिए सबसे बड़ा हेडेक का काम, जिस मंच पे जाइए जब एक वर्ड बोलिए साउंड करते सिंग सिंग सिंग, यही हाल होता है हर मंच पे। गावे गावे थिएटर चलावे, गावे गावे थिएटर चलावे। अब बना देना भाई, नहीं तो फिर सुनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन आइए एक दो गाने आप सबके बीच में। हो तनी टाकल, हो तनी टाकल, हो तनी टाकल देवलिया पकाले।
ऐसी आ एगो उड़न बाज रे कि एगो हई ऐसी वैसी आ एगो उड़न बाज रे आ एगो हमरा भैया संग सुते पतैया महिला विकास मंच टीम बक्सर चंदन जिनके तरफ से हम को सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी महिला टीम को मेरे तरफ से प्रणाम है कि एक बार महिला जागरूकता के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। वाह वाह क्या बात है। और कहते हैं कि बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, बड़ा प्यार आप सभी से मिलता है और ऐसे ही टीम मजबूत बना के रखिए और कभी भी हारना नहीं है हम वुमेन्स को, है ना? बिल्कुल नहीं हारना है। और जब भी जरूरत बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं हारेंगे। कि एगो हई ऐसी वैसी कि एगो उड़न बाज है कि एगो उड़न बाज है कि एगो हमरा भैया संगे डर एगो हमरा भैया संग घूमत रहला गलिए गलिए आ गदहा चढ़ के आइला हो आ गदहा चढ़ के आइला हो कि तू बहिन बेचवा भड़ुआ तू बहिन बेचवा सब Yeah.
आज पहली बात तो तमाम थोड़ी थोड़ी सी दूरी बना लेने की आप लोगों को सुनना ना पड़े, आपको कोई डांटता तो हमें बुरा लगता है क्योंकि बड़ी दूर दूर से श्रोता गण आए हैं और मंच पे भी आप सब लोग इतने लोग हैं। ये तो अच्छा है कि मंच भी बड़ा है, पोस्टर भी बड़ा है, कैमरामैन कैच करते रहना, कैमरामैन फोकस करते रहना, इधर भी कैमरामैन जल्दी इधर करते रहना। लेकिन आइए, आप सबके बीच में आज शादी समारोह में उपस्थित है तो एक दो विदाई गाने भी आप सबके बीच में होनी चाहिए क्योंकि जिस उपलक्ष प्लान। लेकिन एक उससे पहले पिछले बार जैसे हमने आर्यन के लिए हल्दी का गाना गाया था, बड़ी जल्दी देख रहे हैं।